कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर इंसान एक बार संकल्प ले ले तो कठिन से कठिन काम भी संभव हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया शिमला जिले के कोटखाई में पड़ने वाले बखोल पंचायत के लोगों ने। यहाँ पर अपने निजी खर्च से बागवान आत्माराम चौहान और रामलाल ने 8000 फीट की ऊंचाई पर झील बनवा डाली। इलाके में जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक स्रोत में पानी सूखने लगा था। यहाँ कोई योजना भी नहीं थी, मामले के समाधान के लिए सरकार के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन बार बार चक्कर लगाने के बाद ग्रामीणों ने मामला अपने हाथ में ले लिया। गांव के ऊपर स्थित जंगल में झील बनाने के लिए वन विभाग से मंजूरी ली और फिर जुट गए निर्माण कार्य में। देखते ही देखते 4 लाख लीटर क्षमता की झील कब तैयार हो गई इसका पता नहीं चला। आपको बता दें कि बीते 5 सालों में गांव की करीब 12 बावड़ियां सूख चुकी हैं। झील के बनने से न सिर्फ सूखी बावड़ियों में जीवन लौटा है बल्कि आसपास के सेब बागानों में नमी की समस्या भी खत्म हो गई। स्थानीय बागवान और योजना के संस्थापक आत्माराम चौहान ने बताया कि ऐसी और झीलें व तालाब गांव में बन रहे हैं। मेरी ये सोच रही सन 2016 में कि क्यों यहाँ पर तालाब का निर्माण किया जाए। जब तालाब का निर्माण की मैंने सोची तो हम ये निष्कर्ष पे पहुँचे कि हमने 8000 फीट की हाइट पर एक तालाब बनाया जिसको एक झील का रूप दिया गया और इस तालाब के अंदर में 4 लाख लीटर पानी इकट्ठा होता है। इसके नीचे 4-5 बावड़ियाँ हैं जो गांव के लिए पानी की समस्या आ जाती थी, उसको ये तालाब रिचार्ज करता है। इसके साथ साथ इस पंचायत के अंदर में 4 तालाब और बने हैं, जो 2 तालाब निजी लोगों ने बनाए हैं तथा 2 तालाब सरकारी वन विभाग की स्वीकृति से, वन विभाग के पैसे से बनाए गए हैं। इस वक्त बखोल पंचायत के अंदर में 6 तालाब मौजूद हैं। आगे भी तालाब बनाने का पंचायत जो है प्रयास करेगी। वहीं प्रधान सोनिका चौहान और पूर्व प्रधान ने आत्माराम और रामलाल के प्रयासों की तारीफ की। सोनिका ने बताया कि झील से न सिर्फ गांव में पानी की समस्या दूर हुई है बल्कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसमें बोटिंग का प्रावधान भी रखा गया है जहां बच्चे और लोग बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। इतना ही नहीं, करीब 6 फुट गहरी झील में बिलासपुर से लाकर मछलियां भी डाली जाएंगी। बखोल पंचायत में चमनी कोटी नामक गांव में एक झील बनी है जिसे हमारे पंचायत के स्थानीय निवासी श्री आत्माराम चौहान जी और श्री रामलाल चौहान जी द्वारा निजी धन खर्च करके ये झील बनवाई गई थी। तो इसका जो मोटिवेट था वो यही था कि जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं उसको हम रिचार्ज कर सके। ठीक है, जो हमारा ग्रेविटी वाटर है उससे लिफ्ट स्कीम नहीं है, तो हमारी पंचायत में लगभग 2500 के करीब आबादी है जो कि टोटली नेचुरल सोर्सेज और ग्रेविटी वाटर पे डिपेंड है। नेचुरल सोर्स है, उसे रिचार्ज करने के लिए हमने जो है ये तालाब जो बनवाए थे इससे जो है नेचुरल सोर्स रिचार्ज होते हैं। गांव की इस पहल से आसपास के गांव भी प्रेरित हो रहे हैं। अब अन्य जगह भी इस तरह की झीलें बनाई जा रही हैं। पुराने जमाने में बुजुर्ग इस तरह की कुफर का निर्माण हर गांव में करवाते थे जिससे पानी में नमी बने रहे, लेकिन उठाऊ पेयजल योजनाओं के आने से लोगों ने इन झीलों का निर्माण बंद कर दिया। अब जब जलवायु परिवर्तन के चलते पानी की किल्लत हो रही है तो लोग दोबारा सदियों पुराने इस तरीके को अपना रहे हैं। ये न सिर्फ स्थानीय लोगों बल्कि जंगली जानवरों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। शिमला से पीचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।